वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। आज है संडे और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हम और मम्मी पापा उठे हुए हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। और आजकल आप तो जानते हैं मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम और ऐड हो गई है। मेरे ऊपर चींटी चल रही थी, वही मैं देख रही थी कहाँ गई। चींटियाँ चलती हैं लेकिन काटती नहीं हैं, बहुत कम काटती हैं, चाहे मेरे पूरे कपड़े पे चींटी हो। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, हम दिखाते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ। अभी मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए चीला, क्योंकि उनको चीला बहुत पसंद है, मम्मी को और पापा को भी पसंद है। तो मम्मी पापा और अपने लिए मैं चीले बना रही हूँ। बेबो सुमी ब्रेड मक्खन खाएंगी और इनके पापा खाएंगे ऑमलेट और ब्रेड। तो सबका अलग अलग नाश्ता है और यही सब करने में मेरा टाइम जाता है। और अभी मैं यहाँ पर धुल रही हूँ बर्तन। इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि तीन टाइम हो गए और मेहरी नहीं आई है। थोड़े बर्तन तो जो किचन में रखे थे मैं वो धुल ले रही थी, लेकिन ये जो बर्तन हैं ये मैं आंगन से उठा कर लाई हूँ, जो मैं मेहरी को धुलने के लिए देती हूँ। तो जब आई नहीं तो मुझे लगा कि अब फाइनली सारे बर्तन धुल लेने चाहिए, तो वही मैं सारे बर्तन फटाफट से धुल रही हूँ। और ये हमारा जो समरसेबल है वो ख़राब हो गया है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। इसका जो ये बटन होता है वो ऑन करने पे ऑन हो रहा है लेकिन फिर ऑफ़ हो जा रहा है। तो ये रात में ही गड़बड़ हुई थी, अभी सुबह भैया लोगों को बुलाया है, अब वो देख रहे हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है। और क्योंकि हाउस हेल्पर आई नहीं है तो मुझे झाड़ू भी लगानी है। झाड़ू पोछा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वैसे भी बहुत सारे काम हैं, तो सिर्फ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और क्योंकि ये लोग हटा के सारी चीज़ें नहीं लगाती हैं, तो मैं सारी चीज़ें हटा के लगा रही हूँ। और कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि अच्छा होता है कि एक दो दिन छुट्टी ले लेती हैं, तो मैं सारी चीज़ें हटा कर लगा देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। कि इन लोगों से चाहे जितना कहो वो अपने हिसाब से वैसे ही लगाती हैं जैसे उन्हें लगाना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे, क्योंकि इस काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं तहरी बना रही हूँ और तहरी बेबोसमी को बहुत पसंद है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी तो कम पा गई थी, तो आज मैं कुकर भर के बना रही हूँ। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बस सीधे कुकर चढ़ा के सबसे पहले लहसुन प्याज छिल के उसमें डाल दिया। और ये यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ क्योंकि टमाटर बहुत सस्ता हो गया है, तो मन भर के टमाटर भी डाल रही हूँ। हालांकि सुमी को टमाटर पसंद नहीं है, वो चिल्लाती बहुत है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं मटर तो थी भी नहीं, आलू थे, तो बस आलू से ही बना रही हूँ। और सोयाबीन था वो डाल दूँगी, तो आलू भी मैंने नहीं काटे थे, तो ये आलू भी दो तीन छिल के मैं ऐसे ही काट के इसी समय डाल दूँगी, क्योंकि मसाला भुन रहा है उसी समय काट के आप डाल देंगे तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आलू छिल ले रही हूँ, दो या तीन आलू डालूँगी आज कुकर भर के बनाऊँगी, क्योंकि और कुछ मैंने बनाया ही नहीं है। रात की सब्ज़ी रखी है, अगर किसी को खाना होगा तो मैं रोटी बना दूँगी, और नहीं तो सब लोग अगर तहरी खा लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे पता है रोटी सेकने में भी मुझे बहुत गु़स्सा आता है, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे आटा गूंथने और रोटी बनाने में आता है। हालांकि बहुत ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूछेंगे कि सबसे ख़राब काम क्या लगता है, तो मैं यही कहूँगी आटा गूंथना और रोटी बनाना। तो बस मैंने सारी चीज़ें तहरी में डाल दी हैं, बस चावल डालना बाकी है। और रात में फ्रेंड्स पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा लाओ टंकी में भर लूं, और जैसे ही ऑन किया तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था और टंकी पूरी खाली थी। तो फिर पापा मैकेनिक को बुला के लाए, तो उसने बोला कि आपका ये बटन नहीं ख़राब है, आपके जो समरसेबल की मोटर होती है वो उसमें कुछ गड़बड़ है। तो रात के 9 बज चुके थे, तो फिर सुबह
मैकेनिक को बुलाना था क्योंकि रात में तो कोई काम हो नहीं पाता, तो मैंने रात में ही जो है बगल में भैया भाभी से पाइप लगवा के टंकी भरवाई। 1-1.5 घंटा लग गया टंकी भरने में, तो उतना काम तो चल गया। और सुबह 10 बजे मैकेनिक आया है, तो उसने सब ये खोदा खादी की है, ये पाइप सब डाल के निकाला जो भी है, और वो इसमें की मोटर लेके गया है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो शॉप पे बनेगी, बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो टंकी में पानी, हाँ सुबह जो है मैंने 1 बाल्टी पानी आरती भाभी के यहाँ से लिया पीने वाला, और अभी टंकी में बहुत कम पानी बचा है, और मुझे अभी नहाना भी है। किचन के घर के वैसे सारे काम ख़त्म हो गए। आज महरी भी नहीं आई, महरी 2 दिन से नहीं आ रही है। मतलब अगर आप परेशान हैं तो बीमारियाँ कह रहे, बीमारी तो आई ही है, परेशानियाँ चारों तरफ से आती हैं। और जो है मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं नहाने, तो टंकी में पानी भाभी से लगवा ले रहे हैं क्योंकि भरने में टाइम लगता है। प्रेशर कुकर बनवा रहा है, तो अब जा रहे हैं नहाने और टंकी में पानी लगवा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नहाने के बाद। तो ये मैंने टंकी में पाइप लगा दिया है, अब भरेगा आराम से, और मैं नहाने जा रही हूँ। अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, तो बहुत तेज़ से मुझे लगी थी भूख, और तहरी तो मैंने बना ही दी थी, तो बस वही तहरी खा रही हूँ, और बेबू सुमी ने तहरी खा ली है, सभी लोगों ने खा लिया है, अब मैं खा रही हूँ। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम करूँगी अगर मौका मिलेगा तो, नहीं तो कोई कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, तो आराम करने का मौका नहीं मिलता। और मुझे साइड से मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ काफ़ी। मेरा बच्चा चाय बना रहा है, बहुत दिनों बाद हम लोग अदरक की चाय पी रहे हैं। बहुत गरीब है ना हम लोग, तो अदरक की चाय बहुत दिन बाद पी रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं था चाय पीने के लिए। और पीछे देखो चीटियां बहुत चल रही हैं, इतना जो जो महंगा हो रहा है ना हम लोग सब छोड़ दे रहे हैं, और जब वो सस्ता हो जा रहा है तो हम लोग पेट भर के खा रहे हैं। टमाटर सस्ता हुआ तब से टमाटर छोड़ ही नहीं रहे हैं, टमाटर आलू, तहरी में आलू, वही चीज़ें बना रहे जैसे टमाटर पड़ता है। और थोड़ा कुछ गिरा भी तो, हाँ गिराएंगे नहीं। तुम क्या बना रही हो? बनाऊंगी क्या, बिंदी लगाने की फुर्सत नहीं मिली हमको आज, वरना हम सो पाए। अच्छा ऐसे पकड़ा है। हालत देख लो भाई, नहाए धोए हम लग ही नहीं रहे हैं, आज सोए भी नहीं है। अब जाके समरसेबल बना है 5 बजे, और बेबो बना रही है चाय सबके लिए, और मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम। बेबो सुमी का कल हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई ज़ोरों पे चल रही है। आज हम बिल्कुल नहीं सोए क्योंकि समरसेबल पूरा 10:30 बजे वो लोग आए थे बेचारे, और अभी 5 बजे गए हैं, बन गया है। लास्ट टाइम पे भी वो बटन सही नहीं हो रहा था, कुछ तार वो लोग गलत समझ नहीं पा रहे थे, तो अब जुड़ गया है। क्या बताएं, एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं हमारे घर में, क्या ही कहें। एक तो पापा इनके बीमार हो गए, उसके बाद ये समरसेबल भी बोल गया, और वो सैंडविच मेकर ख़राब हो गया। सैंडविच मेकर नहीं, उसे सैंडविच मेकर कहते हैं, उसे माइक्रोवेव सैंडविच होता है क्या, माइक्रोवेव पे। अच्छा ठीक है अंग्रेज, लेकिन जो है ये जो परेशानी के टाइम होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, कैसे घर को मैनेज करना है, बाहर जाके कैसे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं ऐसे बुरे टाइम पे। ऐसे किच्ची नहीं कर लो हमको, ऐसे नहीं कर लो। और मेरे बच्चे मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को हंसाने की कोशिश करते हैं,
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा परेशानी भरा रहा, लेकिन फाइनली ठीक हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुम्ही तो कहती बाय मत कहो, बाय कहो।